देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। भारत का मानना है कि वाहनों को ज्यादा एयरबैग से लैस करने से सड़कों पर लोगों की जान जाने की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है। भारत में दुनिया भर के वाहनों की संख्या का महज 1% है, लेकिन सड़क पर होने वाली मौतों में इसकी हिस्सेदारी 11% है। अभी हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन 54 साल के साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पुल की रेलिंग से जा टकराई थी। हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनशा पंडोले की मौत हो गई थी। मिस्त्री किसी ऐसी वैसी कार में सवार नहीं थे, वो 70 लाख की मर्सिडीज बेंज में सवार थे, जो कार आराम से लेकर सुरक्षा तक के तमाम दावों के साथ आती है। लेकिन ये कार मिस्त्री की जान नहीं बचा सकी। इसके बाद से कार में एयरबैग की अनिवार्यता की बात उठने लगी है। अब भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। कारों में एयरबैग से जुड़े इस नियम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाना था, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसका मतलब है कि अब इस तारीख से सभी कारों में 6 एयरबैग दिए जाने अनिवार्य हो जाएंगे। 6 एयरबैग की इस अनिवार्यता के बाद अब सस्ती गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। कार निर्माता कंपनियों का कहना है कि एयरबैग लगाने से कार की कीमतों में कम से कम 60,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोकसभा में एक एयरबैग पर आने वाले खर्च के बारे में इससे अलग जानकारी दी थी। उन्होंने गाड़ियों में लगने वाले एयरबैग की कीमत सपोर्टिंग एक्सेसरीज के साथ सिर्फ 1300 रुपए बताई है। अब ये जानना भी जरूरी है कि कार में एयरबैग का होना क्यों जरूरी है, तो हम आपको बताते हैं कि एयरबैग कार दुर्घटना के समय लगने वाले जोरदार झटके से यात्रियों की छाती, चेहरे और सिर को सुरक्षा देने का काम करते हैं। एयरबैग डैशबोर्ड, स्टीयरिंग और शीशे के बीच ऐसी गद्देदार दीवार बना देते हैं, जिससे गंभीर चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।